दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं, हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नए साल के नए समर में एशियन चैंपियन श्रीलंका को रौंदने के लिए तैयार है हिंदुस्तान की युवा ब्रिगेड। मुंबई में होगा पहला घमासान, जिसके लिए पूरी की पूरी भारतीय स्क्वाड ने कमर कस ली है और साथ ही उनके साथ गया है एक ऐसा महानतम दिग्गज जिसका नाम सुनकर ही श्रीलंकाई टीम के पसीने छूट जाएंगे। रातों रात टीम में शामिल हुआ वो दिग्गज श्रीलंका के लिए एक पूरा सपना है। तो आखिरकार कौन है वो खिलाड़ी जिस पर पूरा के पूरे भारत को गर्व है, आपको दिखाएंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या में कौन है खतरनाक खिलाड़ी, इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, 2022 की कड़वी यादों के बाद 2023 में विश्व फतह करने का समय आ गया है और कुछ ऐसे ही इरादे बीसीसीआई के भी हैं, जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी से शुरू हो रहे T20 सीरीज के लिए जाहिर भी कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, विश्व क्रिकेट के मंच पर भारतीय टीम को सफलता के शिखर पर पहुंचाने के लिए बीसीसीआई कोई भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। जहां उन्होंने कई ठोस कदम उठाए हैं और खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में उन्होंने टीम के सभी सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर युवा की बंपर भर्ती करवाई है। जी हां दोस्तों, एशिया चैंपियन श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम ने हार्दिक पांड्या को टीम की कमान सौंपी है। हालांकि वो टीम के परमानेंट कैप्टन नहीं बने हैं और बस केवल इस सीरीज के लिए टीम की कमान संभाल रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, 16 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड में ईशान किशन, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम मावी, उमरान मलिक, मुकेश कुमार और श्रेयस अय्यर जैसे युवा जोश से लबरेज धाकड़ खिलाड़ियों के नाम शुमार हैं। आपको बता दें कि T20 मैच 3 जनवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने जा रहा है और जब पहली बार श्रीलंका भारत आई थी तब भारत की मुख्य टीम ने उन्हें 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया था। लेकिन तब से परिस्थितियां अब बहुत बदल गई हैं, श्रीलंका बदल गया है, उसका अंदाज भी बदल गया और भारत की किस्मत में ये सीरीज भारतीय दृष्टिकोण से बहुत अहम होने जा रही है। वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान पर 2011 विश्व कप की यादों को ताजा करते हुए हमें हार्दिक की कप्तानी वाले भारतीय टीम शनाका की कप्तानी वाली लंकाई टीम से भिड़ते हुए दिखाई देने वाली है। लेकिन दोस्तों, पहले T20 मुकाबले में 2011 की यादों को ताजा करते हुए एक ऐसे खिलाड़ी ने टीम इंडिया का दामन थामा है जिसका नाम श्रीलंका के पसीने छुड़ा देगा। जी हां दोस्तों, वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिन्हें बतौर कोच और मेंटोर श्रीलंका दौरे के लिए भारत के युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देने के लिहाज से शामिल किया गया है। केवल इतना ही नहीं, धोनी का एयरपोर्ट से निकलते हुए बाहर की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके साथ ही पूरी की पूरी भारतीय टीम मुंबई पहुंच चुकी है। अब देखना यह काफी दिलचस्प होगा कि हार्दिक और धोनी की जोड़ी श्रीलंका को आसानी से शिकस्त दे पाती है या फिर नहीं, इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।